पता नहीं, आई मीन वो होते हैं ना बहुत मजे के गोश्त भरे बैंगन। सहर, तुम क्यों परेशान होती हो? घर में खाने के लिए बहुत कुछ है। आपका बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा, लेकिन मैंने फ्रिज में बैगन देखे तो दिल किया बना लूं अभी। गुड आइडिया, उन्हें वो पसंद है। अच्छा, फिर मैं जरा जाकर निस्लिहान को ढूंढती हूँ। ठीक है। खाला। हाँ खाला की जान। क्या मैं मदद करूँ आपकी? बिल्कुल कर सकते हो, जब तक मैं बैगन धोती हूँ। तुम आओ यहाँ पर बैठकर अपनी खाला को देखो। ठीक है। उसके बाद मिलकर मसाला लगाएंगे। ठीक है। ओके। यमान, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। क्या इस तरह आराम करोगे? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? फिक्र मत करो, मैं डिनर के बाद तुम्हें दवा दूंगी, फिर मैं सुबह के वक्त की दवा भी रख दूंगी। हर चीज मैं अच्छे से संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं खुद हर चीज की देखभाल करूंगी। जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। वो दरअसल कंपनी के ऑफिस से कुछ कागजात चाहिए मुझे। ठीक है, मैं नदीम को कॉल कर। कोई जरूरत नहीं, नदीम शहर से बाहर गया हुआ है, वो कागजात कॉन्फिडेंशियल हैं। ठीक है, मैं ले आती हूं। मुझे वो फौरी चाहिए। ठीक है, इन्हें मैं जाकर ले आऊंगी। मैं तुमसे यूसुफ की खाला के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल शमान सर, मैं सुन रही हूँ। ये बातचीत हमारे दरमियान ही रहेगी। यूसुफ की खाला समेत किसी को पता ना चले। क्या तुम समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई। हाल क्या हो रहा है? यमान के पास क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि मेरी आपा यमान ने मुझे कंपनी की फाइलें लाने भेजा है, कुछ ही देर में कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, वो तुम पे कितना भरोसा जो करता भी है? उससे ज्यादा अहम एक और बात है, यमान ने वकील को बुलाया है। उस नाकिन खाला के बारे में कुछ बात कर रहे थे। कैसी बात? नहीं मालूम, वो जो कुछ भी है यमान, वो नहीं चाहता कि ये बात शहर को भी पता चले। उसने वकील को भी यही कहा। ओके, मैं उसका पता चलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम वही करोगी जो उसने कहा। सीधी कंपनी जाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ। अरे सहर, तुमने क्यों जहमत की? क्यों थकाती हो खुद को? तुम पहले ही थकी हुई हो। चलो तुम कुछ आराम कर लो,
या मान को मैं ये दे दूंगी। मैंने जो कहा वो मत भूलना, इस मामले की पूरी देखभाल करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें यमान सर, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यमान, उम्मीद है कोई मसला नहीं हुआ होगा, वकील जो आई हुई थी। कुछ खास नहीं। देखो तुम्हारी फेवरेट डिश लेके आई हूं। अंकल आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे। क्या आपको खाना अच्छा लगा? जब खाला बना रही थी तो मैंने मदद की। आप जाकर भाई की देखभाल करें, यूसुफ यहाँ खाने में मेरा साथ देगा, ठीक है ना मेरे हैंडसम? ओके यमान, तुम एंजॉय करो। चलो आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे, साथ दो मेरा। मैंने पूरी प्लेट खत्म की है, खाला ने बनाने के बाद मुझे खिलाया था। जायका अच्छा है ना? क्या बोर हो गए हैं? क्योंकि मैं जब बीमार होता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। मैं कुछ किताबें लाया हूँ, लेकिन ये तो बच्चों की है। खाला की किताबों में से मैं जाकर लेकर आता हूँ, आप उससे पढ़ लीजिएगा। गुड आइडिया, क्या पता तुम्हारी खाला तुम्हें एक किताब पढ़ने के लिए दे दें। गुड आइडिया, पूछता हूँ मैं खाला से।